काल के प्रकार। काल के मुख्य तीन प्रकार हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। विद्यार्थियों, आइए अब हम वर्तमान काल की जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्तमान काल के तीन रूप हैं। पहला, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उस क्रिया का वर्तमान समय में होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के तीन रूप हैं और सबसे पहले हम सामान्य वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का जो रूप उस वर्तमान एवं सामान्य अवस्था में होना सूचित करता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बंदर उछल कूद करता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, नर्स मरीज को दवा देती है, तुम सुबह घूमने जाते हो। विद्यार्थियों, सामान्य वर्तमान काल को पहचानना एकदम सरल है। सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के अंत में ता, ती, ते का प्रयोग होता है। अब बारी है अपूर्ण वर्तमान काल की। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि जो क्रिया शुरू हुई है वह अभी तक पूरी नहीं हुई, अर्थात जारी है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इन वाक्यों को पढ़िए जरा। मैं पत्र लिख रहा हूं, तुम पहेली हल कर रहे हो, हम गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, सूर्योदय हो रहा है। विद्यार्थियों, अपूर्ण वर्तमान काल में मुख्य क्रिया के साथ हमेशा रहा, रही, रहे का प्रयोग होता है। इस तरह वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। इन शब्दों को देखकर हम अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान कर सकते हैं। अब आखिर में पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि जो क्रिया शुरू हुई थी वह वर्तमान में ही हो गई है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इन वाक्यों को पढ़िए जरा। बाग में फूल खिले हैं, उसने हमें सलाह दी है, राजकुमार घर लौटा है, मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। विद्यार्थियों, पूर्ण वर्तमान काल की पहचान करने का तरीका यह है कि वाक्य के अंत में क्रिया का भूतकाल रूप और है लगा रहता है।